नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं जिंदल एडवांस मटेरियल से, जहां पर दोस्तों इस कंपनी ने इटालियन कंपनी एमई के साथ में टाई अप अनाउंस कर दिया है और इसके चलते वो भारत में कार्बन फाइबर प्लांट को सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों जिंदल एडवांस मटेरियल्स के बारे में आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सिमिलरली इटली बेस्ड एमई भी एक केमिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोनों उनके एक्सपीरियंस को कंबाइन करके हमारे देश में कार्बन फाइबर प्लांट सेटअप करेंगे, जिसकी इनिशियल लेवल पर कैपेसिटी 3500 मैट्रिक टन पर एनम की होगी। प्रीप्रेक्स फैब्रिक्स और लाइट वेट कार्बन फाइबर कंपोजिट्स की यहाँ पर इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। पहले फेज में 2700 करोड़ के आसपास यहाँ पर इनके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे और ओवरऑल इनका प्लान है कि 2027 तक इस प्लांट की कैपेसिटी को 3500 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 10000 मैट्रिक टन पर एनम तक कर दिया जाए, जो कि फेज वन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा होगा। और होप यही है कि इनका जो पहला फेज है वो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट टाटा मोटर्स से है, जहां पर दोस्तों ई मोबिलिटी को पुश करते हुए टाटा मोटर्स के द्वारा 5000 और ईवी चार्जिंग स्टेशन देश में सेटअप किए जाने हैं और इसको लेकर उन्होंने HPCL के साथ में MOU साइन किया है। दोस्तों देश के ईवी सेक्टर ग्रोथ को और तेज करने के लिए जरूरी है कि देश में जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़े स्केल पर सेटअप किया जाए, क्योंकि अगर ये चीज टाइम से नहीं की जाएगी तो कंज्यूमर्स के बीच ईवी को खरीदने को लेकर रिलक्टेंस देखने को मिलती है। हमारी जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, अगर इनके साथ मिलकर ये काम किया जाता है तो ये काम काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास थ्रू आउट दी कंट्री कई सारे फ्यूल स्टेशंस हैं और अगर उन्हीं फ्यूल स्टेशंस पर इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाता है तो लैंड और लोकेशन की ऐसी कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ये MOU भी टाटा ने इनके साथ इसलिए साइन किया है ताकि इनके जो फ्यूल स्टेशंस हैं वहीं पर इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाए। टाटा का कहना है कि वो इसको लेकर मिशन मोड पर काम करने वाले हैं और इसी साल के अंत तक सभी के सभी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों भारत डायमंड बोर्स अभी आपको ओवर एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुंबई मेट्रो ऑपरेटर एजेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके एक्सपांशन को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों भारत डायमंड बोर्स ट्रेड वाइज दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब है, जहां पर अभी के समय ऑलमोस्ट 2500 से ज्यादा डायमंड ट्रेडर्स काम कर रहे हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में लोकेटेड है और अभी क्योंकि ये सूर्य डायमंड बोर्स से थोड़ा सा कंपटीशन भी फेस कर रहा है तो इसको और कंप्लीट बनाने के लिए MMRDA का प्लान है कि वो इसको और बड़ा कर देंगे। 4.0 का फ्लोर स्पेस इंडेक्स इसके लिए प्रपोज किया गया है, जिसके बाद इसका बिल्टअप एरिया 12 लाख स्क्वायर फीट से और बढ़ जाएगा और ऑलमोस्ट 1000 के आसपास नए ऑफिसर्स यहाँ पर बन पाएंगे, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि सूर्य डायमंड बोर्स की सक्सेस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य डायमंड बोर्स अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जितनी उससे उम्मीद लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारे ऑफिस खाली पड़े हैं, क्योंकि ट्रेडर्स मुंबई को ही अभी भी प्रेफर कर रहे हैं और जब एक बार वहाँ पर 1000 नए ऑफिस सेटअप कर दिए जाएंगे तो भारत डायमंड बोर्स पर जो डायमंड ट्रेडिंग का काम है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं कि MMRDA कब तक इसके ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट करती है। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे को लेकर अथॉरिटीज के बीच में भी सहमति बन चुकी है और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो बहुत ही जल्द यमुना रिवर के अलोंग नोएडा में आपको एक और एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। दोस्तों एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को तो कॉम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा, साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ये कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। 32 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और दिल्ली बॉर्डर के पास सेक्टर 94 में यमुना पुस्ता रोड से स्टार्ट होकर ग्रेटर नोएडा के पास सेक्टर 150 में जाकर ये टर्मिनेट होगा। सेक्टर 128, 135, 151, 168 इन सेक्टर्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी इसकी डायरेक्ट एक्सेस मिल पाएगी। अभी राइट्स लिमिटेड, नोएडा अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी इरीगेशन डिपार्टमेंट इन सब ने मिलकर एक जॉइंट स्टडीज की कंडक्ट की थी, जहां पर ये देखा गया है कि इस एक्सप्रेसवे को यहां पर बनाया जा सकता है। तो अब ये सब मिलकर आगे चलकर इसकी एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जहां पर ये देखा जाएगा कि ये कितना फिजिबल है। साथ साथ इसकी क्योंकि DPR बनाई जानी है तो वहां पर ये भी देखा जाएगा कि कितनी लैंड इसके लिए एक्वायर करनी होगी और कितना इसके ऊपर खर्च आएगा। आगे चलकर जैसे इसको लेकर और अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है तेजस जेट्स को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस Mk1A की पहली टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये जेट अभी सर्विस इंडक्शन के एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुका है। दोस्तों ऐसे जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि तेजस Mk1 का अपग्रेडेड वर्जन Mk1A ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है, जहाँ पर उसके टैक्सी ट्रायल्स चल रहे थे। अब इसकी जो पहली टेस्ट फ्लाइट है वो भी कंडक्ट की गई है बेंगलोर के अंदर। Mk1 के कंपैरिजन में इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स होंगे, जैसे कि डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर्स, एक सुपीरियर ESA रडार, एडवांस BVR मिसाइल्स, एक्सटर्नल सेल्फ प्रोडक्शन पोर्ट्स और भी बहुत सारे नए फीचर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 Mk1A का कॉन्ट्रैक्ट पहले मिल चुका है, तो आप कह सकते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर
हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए HELs की डिलीवरी भी स्टार्ट कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है हमारे सोलर सेक्टर से, जहाँ पर दोस्तों भारत में सोलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी काफ़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि मैरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में भारत में 24 GW की सोलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ऐड कर लिया गया है। दोस्तों 24 GW एक अच्छा खासा नंबर होता है, जिसमें से 20.8 GW सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है, जबकि 3.2 GW की सोलर सेल कैपेसिटी है। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको और ब्रेकअप करके बताऊं, तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर गुजरात रहा है। ऑलमोस्ट हमारे देश के 46.1% सोलर मॉड्यूल्स गुजरात में ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 9.3% के शेयर के साथ में राजस्थान सेकेंड नंबर पर है, जबकि 7.6% के शेयर के साथ में तमिलनाडु थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रही है। सिमिलरली सोलर सेल की कैपेसिटी में तेलंगाना बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर स्टेट है 39% के स्टेक के साथ। 34.7% के स्टेक के साथ गुजरात यहां पर सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, जबकि 13.9% शेयर के साथ हिमाचल प्रदेश थर्ड बिगेस्ट सोलर सेल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 2023 के डेटा को मिलाकर अभी तक हमारे देश में टोटल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 64.5 GW तक पहुँच चुकी है, जबकि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 5.8 GW पर पहुँच चुकी है। और उम्मीद यही है कि अभी जो मोमेंटम 2023 में हमें मिला है, अभी ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो हमारे रोड सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा एक नए रोड के लिए 40 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को रिकमेंड किया गया है। और क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्लान या फिर रिकमेंडेशन ठीक लगा, तो इस कारण उन्होंने इसे ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। दोस्तों थोड़ा सा इसके मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊँ, तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व से एक रोड पास होने वाला है, जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास उस रोड की लेंथ होगी जो यहाँ से पास होगा। और क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, तो वाइल्ड लाइफ इश्यूज को मिटिगेट करने के लिए डिसाइड किया गया कि 3 टनल्स, 4 माइनर ब्रिजेस, 7 वायडक्स और 2 कलवर्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा रोड के दोनों साइड पर 3-3 किलोमीटर का एनिमल पैसेज भी बनाया जाएगा। और क्योंकि अभी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा खुद ही प्रपोजल सामने रखा गया था, जिसको अप्रूवल भी मिल चुकी है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये लैंड हमारी रोड मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कोलकाता मेट्रो में एक और रेल स्ट्रेच के ऊपर अभी मेट्रो ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए हैं। और हमारी रेलवे टारगेट कर रही है कि पोइला बैसाख फेस्टिवल, जो कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद है, उसी दिन पर इस नए स्ट्रेच के ऊपर कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया जाए। दोस्तों यहां पर मैं दमदम कैंटोनमेंट और नौपाड़ा स्ट्रेच की बात कर रहा हूं, जिसकी लेंथ अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है। यहीं पर अभी जो स्पीड ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं, वहां पर मैक्सिमम 75 माइल्स पर आर की स्पीड को अचीव किया गया था, जो कि आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक स्पीड है। और क्योंकि कमिश्नर ऑफ मेट्रो सेफ्टी के सामने ये टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, तो होप यही है कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए अप्रूवल मिल जाएगी। और जैसे ही ये टेस्ट स्टार्ट होती है, तो नोएपाड़ा कोलकाता मेट्रो का एक नया इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा, क्योंकि यहीं पर ब्लू और येलो लाइन दोनों कनेक्टेड होने वाली हैं। आज की उस लास्ट अपडेट फिर से हमारी रेलवे से ही है, जहां पर दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा ओडिशा में एक नई रेल लाइन को लेकर सभी प्लान्स अनवील कर दिए गए हैं। और साथ साथ हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे को भी अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों रेल लाइन पूरी से कोणार्क के बीच में बनकर तैयार होगी, जिसकी लेंथ 32 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। 3 रेलवे स्टेशन भी इसमें बनकर तैयार होंगे, पोरातारा, बिहराडिया और कोणार्क। इन 3 लोकेशंस पर 37 विलेजेस और 3 रिवर्स को ये क्रॉस करेगा। और अभी हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा ये कहा गया है कि इसकी DPR बनकर तैयार हो चुकी है। टोटल 491 करोड़ रुपये का खर्च इसके ऊपर आने वाला है। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, तो ओडिशा के पुरी और कोणार्क रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ साथ जो टूरिज्म है उसमें भी बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।